क्या होता है, क्या लगा रहे थे हम ऑफिस में? ऑफिस में रॉकेट बोल्ट, रॉकेट बोल्ट, रॉकेट बोल्ट लगा रहे थे। वेरी गुड। रावल बोल्ट को रॉकेट बोल्ट। अच्छा, और साथ में वो क्या लगा रहे थे हम? अब एक आपको एक अहम चीज बताता हूँ कि बिजली के बिल का भी हमसे बिल ले रहे हैं, और जो बिजली बनाने में पेट्रोल यूज होता है या फ्यूल यूज होता है, बनाने के पैसे भी हमसे ले रहे हैं। इन्होंने दोनों तरफ से लूट के रखा हुआ है, आवाम को पागल समझा हुआ है। तो इसके लिए ये देखें, ये हमें कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बिजली बनाने के पैसे भी हमसे ले रहे हैं, उसकी फ्यूल के पैसे भी हमसे चार्ज कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त कैरियर से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कैरियर से हूँ, आपका भाई भी कैरियर से है। आज हम बाहर आए हुए हैं, एक छोटा सा गेट टुगेदर है दोस्तों के साथ। तो ये कि डेली लाइफ में भी बड़ा मसरूफ़ रहते हैं, आज डे भर की एक्टिविटी शो नहीं कर सका, दफ्तर में मसरूफियात ज़्यादा थी। तो आज रात में हम आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं ये देखें ज़रा। हाँ जी, अभी सरदार मछली फूड रेस्टोरेंट के सामने हम बैठे हैं, और ये यहाँ का व्यू है। ये हैं उस्मान साहब, ये साइंटिस्ट हैं, और दूसरे भी हमारे साथ हैं। इन साहब को आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, ये है हैदर साहब, और दूसरा है जो हमारा कैमरामैन है। कैमरामैन को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इधर लाए मैं अब कैमरामैन। ये जो मेरा कैमरामैन है ये देखें, ये नवाज शरीफ का बंदा। ये कौन है? शहबाज शरीफ का बंदा। शहबाज शरीफ का बंदा है। बंदा, अच्छा। ये पक्का लाइक करता है, और ये बिल्कुल कटर चाहने वाला है, गजब बेइज्जती है। ये के आज हम लोग आए हैं यहाँ पे, छोटा सा गेट टुगेदर है। तो ये हमारी सिटिंग से पीछे भी अगर आप देखें, तो पीछे भी जो है काफ़ी सारी लाइट्स हैं। हम अंधेरे में क्यों बैठे हैं, क्योंकि हमारी जगह थोड़ी सी सिलेक्शन थोड़ी सी गलत कर रही है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये आपके भाई का चीता टाइगर खड़ी है, छोटी टाइगर, छोटा। ये है मेरी छोटी टाइगर। कुछ भी ये के आज अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8 बजे का, और ये के अभी थोड़ा सी रिफ्रेशमेंट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या होगा, और आपको भी दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ ये रोशनी की वजह से, कभी आइडिया इतना मतलब फोकस नहीं कर पा रहा। ठीक है, आपको अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद, जब हमारा खाना रेडी होकर आ जाता है। विल बी राइट बैक सून। अच्छा गाइस, इसकी बातें सुना, ये बातें क्या क्या करता है, ये सादा सा बंदा ज़रूर है लेकिन इसकी बातें सुने। वो क्या होता है, क्या लगा रहे थे हम ऑफिस में? ऑफिस में रॉकेट बोल्ट, रॉकेट बोल्ट, रॉकेट बोल्ट लगा रहे थे। वेरी गुड। रावल बोल्ट को रॉकेट बोल्ट। अच्छा, और साथ में वो क्या लगा रहे थे हम? प्लास्टिक पैरेट। प्लास्टिक पैरेट लगा रहे थे, प्लास्टिक पैरेट को। तो ये प्लास्टिक पैरेट, प्लास्टर ऑफ पैरेट्स, मुझे भी बुलवा दिया इसने ना, हाय गो, मैं भी भूल गया। ये तोता बना दिया उसने जी, अभी तक हमारे पास ये आई है, अभी हम देखते फिर रहे हैं, अभी तक आए क्यों नहीं। हाय गो यार जी। गाइस, ये आ चुकी हैं बाहर मज़ेदार मलाई बोटियाँ, रोटी, और कैमरा मैन के मुंह में पानी आ रहा है। अभी कबाब आने वाले हैं, अभी कबाब बल्कि आने वाले हैं, वो देखते हैं, देन उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे। विल बी राइट बैक। सही, कबाब भी आ चुके हैं, रेशमी कबाब, मलाई बोटी। चलें जी शुरुआत करें। मैं भी रोटी खाऊंगा, मैंने नान नहीं खाना, मैंने रोटी खाएंगे। डिनर हो गया हमारा एंड, ये अब हम जाने लगे हैं। ये हमारी टाइगर स्टार्ट होने लगी है, पूरा घर के लिए अब सवारी हो गई है स्टार्ट। गाइस, आप लोग भी कहते होंगे कभी
गाड़ी पे, कभी बाइक पे, क्या करें। इस गवर्नमेंट ने बाइक पे ले आई है अभी ना, बाइक गाड़ी से चले चलते हैं, जब घर पहुंचते हैं फिर मिलते हैं। हो गए भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो मैं आज आपसे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने वाला हूं जिसको देख के आप लोग भी बड़ा हैरान हो जाएंगे कि ये गवर्नमेंट और ये सारे इलेक्ट्रिसिटी वाले इदारे हमारे साथ कर क्या रहे हैं। ये ज़रा चेक करें, ज़रा जो मैंने नोट किया है ये हर महीने इस तरह से करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ज़रा चेक करें कि इन्होंने किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस दफ़ा वाकई हर शख्स, हर बंदा बिजली के बिलों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। दुकानदार, कंपनीज़, फैक्ट्रीज़, ऐसे लगने लगा जैसे कि हर चीज़ शट डाउन करने लगे और हमें वो पिछले दौरों में 1970-80 इस तरह के दौर में लेके जा रहे हैं जब बिजली इतनी आम नहीं थी। तो ये कि ज़ाहिर है कि जब बिजली इतनी महंगी होगी तो कौन उसका इस्तेमाल करेगा, कौन देखेगा। एक दुकानदार तबका ऑलमोस्ट बंद करता जा रहा है, तो इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। लेकिन ये पॉइंट ज़रा देखें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ज़रा देखें, ज़रा चेक करें। अच्छा गाइज़, आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं। ये देखें, ये मई के 330 यूनिट हैं तो 5,295 रुपये बिल है। दूसरा देखें, 347 सिर्फ 17 यूनिट ज़्यादा हैं तो 8,355। एक आपको और चीज़, अहम चीज़ आज मैंने देखी थी, वो दिखाता हूँ आपको, कि बिल है 6,000 का। इन्होंने क्या किया है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, 3,097 रुपये प्राइस की फ्यूल एडजस्टमेंट डाली है। और दूसरा ये 2,608 रुपये एक और एडजस्टमेंट डालिए, तो इससे ये 6,000 से बढ़ा के इन्होंने 12,000 कर दिया है। अब एक आपको एक अहम चीज़ बताता हूँ कि बिजली के बिल का भी हमसे बिल ले रहे हैं और जो बिजली बनाने में पेट्रोल यूज़ होता है या फ्यूल यूज़ होता है, बनाने के पैसे भी हमसे ले रहे हैं। इन्होंने दोनों तरफ से लूट के रखा हुआ है, आवाम को पागल समझा हुआ है। तो इसके लिए ये देखें, ये हमें कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बिजली बनाने के पैसे भी हमसे ले रहे हैं, उसकी फ्यूल के पैसे भी हमसे चार्ज कर रहे हैं। ये एक बड़ा आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने पकड़ा था, मैंने कहा ये लाजमी शेयर करूँगा। तो ये देखें ज़रा अपना, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिए होंगे ये फैक्ट एंड फिगर्स, तो ये कि आपकी भी समझ में आ गया होगा होपफुली। तो हमें ये आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए ताकि ये कि हम अपनी इसमें कंट्रीब्यूशन पूरी दे सकें। इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ मेरे भाई को दें इजाज़त। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।